Okay, so let's start. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो ट्राई मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहला किया था डॉबिनियर ने. डॉबिनियर ने सबसे पहले ट्राई किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में. तो जो प्रिंसिपल फॉलो किया था डॉबिनियर ने, जो प्रिंसिपल फॉलो किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए, उस टाइम जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, तो वो उसने जो प्रिंसिपल लिया था वो था एटॉमिक मास के बेस पे. डॉबिनियर ने एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था. तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते वक्त उसने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए. तो उसने जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखा, तो उसने एक चीज नोटिस की कि जो तीन एलिमेंट उसने रखे थे वो तीनों एलिमेंट्स सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते थे. तीनों एलिमेंट्स जो थे वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे. इस तरह से उसने तीन ट्रायड्स बनाए थे. इस तरह से उसने तीन ट्रायड्स बनाए थे, ठीक है. तो उसमें जो तीन ग्रुप्स थे उसमें सब एक आपका अल्कली ग्रुप था. मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, फॉर एग्जांपल लिथियम सोडियम और पोटेशियम जो है वो अल्कली ग्रुप मतलब अल्कली अल्कली केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते थे. यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या चीज थी, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे दैट इज लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो, लिथियम का एटॉमिक मास है वो और पोटेशियम का एटॉमिक मास, इन दोनों का एवरेज जब हम निकालते हैं, इन दोनों का जब एवरेज हम निकालते हैं तो उसका एवरेज अराउंड 23 आता है, विच इज इक्वल टू सोडियम एटॉमिक मास. तो डॉबिनियर के ट्रायड में फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जब एटॉमिक मास का एवरेज निकालते हैं तो वो आपके सेकेंड मतलब जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के इक्वल आता है, ठीक है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक था आपके डॉबिनियर के ट्रायड का. फर्स्ट क्या था, उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा था, तीन तीन के ग्रुप में रखा, तीनों एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, तीनों के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, ठीक है. और फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल था, सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल था. ये कैरेक्टरिस्टिक और प्रिंसिपल था और डॉबिनियर के ट्रायड्स का. बट यहाँ पे एक लिमिटेशन थी, यहाँ पे एक लिमिटेशन थी कि जो डॉबिनियर के ट्रायड्स थे वो सिर्फ तीन ट्रायड्स तक लिमिटेड थे. तीन ट्रायड्स तक लिमिटेड होने का मतलब तीन उसके जो जो प्रिंसिपल है मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और एवरेज वाला. तीन ट्रायड्स के बाद जो अदर एलिमेंट्स उस वक्त प्रेजेंट थे, जो अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उन पे ये ट्रायड का प्रिंसिपल लागू नहीं होता. जो जो ट्रायड का प्रिंसिपल है दैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दी अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट एट दैट टाइम. तो अब यहाँ पे इसकी लिमिटेशन है, तो डेफिनेटली हमें एक नया प्रिंसिपल चाहिए होगा, हमें एक नई थियरी चाहिए फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. देन द नेक्स्ट थियरी वाज प्रपोज्ड बाय न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों कहते हैं, न्यूलैंड्स सर एक बार लिमिटेशन दोबारा बता दो। लिमिटेशन ये थी कि डॉबिनियस ट्रायड्स वर लिमिटेड टू थ्री ट्रायड्स ओनली. तीन ट्रायड मतलब तीन ग्रुप्स के बाद, तीन ट्रायड्स के बाद बाकी अदर एलिमेंट्स पे डोमिनेट ट्रायड का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है. वो उसके उन बाकी एलिमेंट्स को इस रिलेशन के अकॉर्डिंग फ्रेम नहीं कर पाया. क्लियर हुआ, ठीक सर है. नेक्स्ट इज न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ. न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, न्यूलैंड ऑल्सो अप्लाइड द सेम प्रिंसिपल. न्यूलैंड ऑल्सो अप्लाइड द सेम प्रिंसिपल दैट इज he arranged the elements, the atoms, elements in the increasing atomic mass order, increasing atomic mass order, ठीक है. but and doing this उसने क्या नोटिस किया, उसने नोटिस किया दैट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, दैट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट. प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल इज सिमिलर इक्वल और सिमिलर टू द एट एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज. तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, हाइड्रोजन लिथियम बेरियम एक्सेट्रा करते हुए जो हाइड्रोजन अगर हम फर्स्ट लेते हैं तो एट वाला कौन सा हुआ, फ्लोरीन. तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है. इसी तरह से अगर हम लिथियम से काउंट करते हैं, अगर हम लिथियम से काउंट करते हैं मतलब लिथियम को हम फर्स्ट एलिमेंट लेते सर हैं तो सोडियम जो है वो एट एलिमेंट आएगा. तो लिथियम और सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है. अब इसे ऑक्टेव लॉ क्यों कहते हैं, ऑक्टेव लॉ इसलिए कहते हैं कि आपके जो मतलब जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक जो होता है, यश क्या समझ में नहीं आया,
यस, न्यूलैंड में क्या, न्यूलैंड ने फर्स्ट ऑफ ऑल उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखा था एलिमेंट्स को, ठीक है। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखते वक्त जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एट एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी के सिमिलर है, ये उसका प्रिंसिपल था। और इसे ऑक्टेव लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो म्यूजिक होता है उसमें आपके जो नोट्स होते हैं, म्यूजिक के जो नोट्स होते हैं उसमें फर्स्ट नोट और एट नोट जो होता है, फर्स्ट नोट और एट नोट जो होता है वो सेम होते हैं, तो इसलिए न्यूलैंड ने अपने लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव नाम दिया था। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? ठीक है, बट यहाँ पे भी लिमिटेशंस थी, न्यूलैंड के लॉ में भी लिमिटेशंस थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो फर्स्ट लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन इज जो न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ है, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ इज एप्लीकेबल टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम ओनली, मतलब सिर्फ कैल्शियम तक ही न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ फॉलो प्रॉपरली फॉलो करता है। इसके बाद कैल्शियम के आगे जितने भी एलिमेंट्स है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ प्रॉपरली फॉलो नहीं करता। इसके कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो भी थे वो न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ को फॉलो नहीं करते। सेकेंड लिमिटेशन क्या कहती है, सेकेंड लिमिटेशन क्या कहती है कि न्यूलैंड एज्यूम, यहाँ पे न्यूलैंड ने क्या किया, उस टाइम न्यूलैंड के टाइम में 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेंस में थे, 56 एलिमेंट खोज लिए गए थे, 56 एलिमेंट खोज लिए गए थे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ही अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन दी नेचर, मतलब इसके बाद फ्यूचर में 56 एलिमेंट के बाद कोई न्यू एलिमेंट एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा या नहीं खोजा जाएगा, ठीक है। तो ये उसका सेकेंड लिमिटेशन था कि उसका ओवर कॉन्फिडेंस कि न्यूलैंड को लगा कि 56 एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते, फाइन। एंड थर्ड लिमिटेशन इज अपने लॉ को फॉलो करने के लिए, मतलब उसके ऑक्टेव लॉ को प्रॉपरली फॉलो करने के लिए न्यूलैंड पुट इवन टू एलिमेंट्स, दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक ही साथ रखा। उसने दो अलग अलग एलिमेंट्स को, दो अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखा, फॉर एग्जाम्पल दैट इज कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट एंड निकल, और ये दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं बट इनको एक साथ रखा, प्लस विथ फ्लोरीन, किसके साथ रखा, फ्लोरीन फ्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ, फ्लोरीन फ्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ टेबल में रखा, विच इज वो उसको इसका एक्सप्लेनेशन उसने नहीं दिया, इसका एक्सप्लेनेशन उसने नहीं दिया, ठीक है। इतना क्लियर है? फाइन, अब बात करते हैं सर नेक्स्ट, अभी टोटल एलिमेंट्स 108 टोटल एलिमेंट्स। है, 108 है ना वैसे। हाँ, वो अभी के टाइम में, उस न्यूलैंड के टाइम में 56 ही थे, न्यूलैंड के टाइम में 56 थे, अब मॉडर्न में 108 है हमारे पास प्रेजेंट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट वाज, अब यहाँ पे भी न्यूलैंड में भी लिमिटेशंस हैं, न्यूलैंड के थियरी में भी लिमिटेशंस थी, तो अगेन वी नीडेड अ न्यू थियरी। उसके बाद जो नेक्स्ट थियरी थी वो मेंडलीव ने दी, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया। पीरियोडिक टेबल का मतलब, पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जब हम एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करते हैं इन अ पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट एलिमेंट्स को जब अरेंज करते हैं तो वहां पे एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती रहती है, पर्टिकुलर एलिमेंट के, मतलब एक एलिमेंट के बाद दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं तो वहां पे सेम केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में दो चीजें होती है जो हमें पता होनी चाहिए, एक होता है पीरियड्स और दूसरा होता है ग्रुप्स। आप प्लीज अपने नोटबुक खोल के उसमें पीरियड देखते रहना, उसमें चार्ट देख लेना, चार्ट देखते रहना प्लीज, ठीक है। तो मेंडलीज पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स और ग्रुप्स थे। पीरियड्स किसे कहते हैं, जो पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल में, पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जो रोज जाती हैं उसे हम कहते हैं पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम्स जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं दैट इज व्हाट कॉल्ड ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है।
अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है, मेंडलीव ने प्रिंसिपल दिया था, उसने जो एटॉमिक अपने पीरियोडिक टेबल बनाया था, तो उसने उसने पर्टिकुलर एक लॉ के थ्रू एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है। अब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी जो है, वो डिपेंड किस पे करता है, एटॉमिक मास पे। उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटॉमिक मास उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या उसकी प्रॉपर्टी जो भी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिसाइड करती हैं। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस का मतलब एटॉमिक मास डिसाइड करता है एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी होगी। समझ में आया ये स्टेटमेंट, ध्यान रखना क्योंकि पूछता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। चार अलग अलग ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा राइट वाला कौन सा है, ठीक है। प्लीज नोट करते चलना, फाइन, आगे बढ़ू। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देयर आर सेवन पीरियड्स एंड एट ग्रुप्स, अब यहाँ पे हमें देखना है कि मेंडल के पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या थे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या थे। अब उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो किस बेस पे किया है। तो मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो किया था, वो दो बेसिस पे किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखा, जो कि पीछे डॉबिनियर ने भी किया था, न्यूलैंड में भी वो किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखा। बट यहाँ पे एक चीज और डिफरेंट है, दैट इज मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस के साथ साथ, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक साथ रखा, और उसने प्रॉपर्टीज के लिए किस चीज को बेस पे रखा, रेफरेंस क्या लिया, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स फॉर्मेशन, कि जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को किस फॉर्म में बनाते हैं, किस तरह से फॉर्मूला बनाते हैं, उस बेस पे उसने प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट या क्लासिफाई किया। तो यहाँ पे दो चीजें कौन कौन सी थी, फर्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, एंड द सेकेंड दैट इज प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ किस एलिमेंट जो है, पर्टिकुलर एलिमेंट किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं, हाउ दे मेक बॉन्ड्स विद ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स आर दी सेकेंड बेसिस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्लियर, पूछता है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो उसमें दो चीजें हैं, या पीरियोडिक लॉ भी पूछता है, प्लस आपको ये भी बताना होता है कि एलिमेंट्स किस बेस पे क्लासिफाई हुए हैं। फाइन, तो यहाँ सर एक बार ये समझा क्या बेटा, क्या नहीं समझ में आया दो, बताओ। लिथियम ऑक्साइड और ये वाटर जो भी अच्छा, है। वो बेसिकली अगर आप एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिथियम को लेते हैं, फर्स्ट ऑफ एग्जांपल हम लेते हैं लिथियम को, तो अगर आप चार पीरियोडिक टेबल देखोगे, तो वहां पे ऊपर आपको फर्स्ट जो आपका ग्रुप है, उसमें आपको R2O लिखा होगा, और RH लिखा होगा, लिखा हुआ है, चेक करो। यस, अब वहां पे नीचे अगर आप देखोगे तो लिथियम और हाइड्रोजन है, दो एलिमेंट्स हैं उसी के नीचे, उस पर्टिकुलर ग्रुप में लिथियम और हाइड्रोजन है। तो लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो वो Li2O बनाएगा, मतलब उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो Li2O होगा। तो यहाँ पे जो Li है, वो ये R है, Li जो है वो ये R है, तो R2O बना है, यहाँ पे जो केमिकल फॉर्मूला ये है R2O है, और वही फॉर्मेशन Li2O बना रहा है, मतलब लिथियम का फॉर्मेशन जो होगा, केमिकल फॉर्मूला जो बनेगा दैट इज Li2O, और हाइड्रोजन के साथ वो बनाएगा LiH, तो सेम है, प्लस उसी के साथ हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या बनता है ऑक्साइड का, H2O, विच इज जस्ट लाइक R2O, और हाइड्रोजन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, हाइड्राइड के साथ H2, दैट इज HH, तो ये किसके किसके सिमिलर है, RH। तो यह जित उस पर्टिकुलर ग्रुप में
जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इसी फॉर्मूला बेस पे बॉन्डिंग करेंगे, वो इसी फॉर्मूला बेस पे बॉन्डिंग करेंगे। अब आया समझ दैविक, समझ में आया? ठीक यस सर आ गया। है, उसी के बगल में दूसरा ग्रुप अगर देखोगे तो वहां पे RO है और RH2 है, तो उसमें जो ग्रुप में एलिमेंट है बेरियम, उसमें BeO बेरियम ऑक्साइड और हाइड्राइड BeH2, तो वो सेम मतलब उस पर्टिकुलर ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे वो इसी तरह से केमिकल फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद सर देखते। हाँ बोलो। सर आपने ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स के नाम क्यों लिखे हैं? कहाँ पे? हाँ जैसे लिथियम एंड हाइड्रोक्साइड ऐसे ऐसे। बेटा, मैं समझाने के लिए लिखा है कि वो ऑक्साइड और हाइड्राइड कैसे बनाएंगे। अच्छा एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या थे। तो जो मेरिट्स थे, मेरिट्स क्या थे कि मेंडलीव ने अकॉर्डिंग टू पीरियड्स के पीरियोडिक टेबल के बेस पे उसने तीन ऐसे एलिमेंट्स मतलब प्रेडिक्ट किए थे, तीन ऐसे एलिमेंट के प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट किए थे जो करंट सिचुएशन प्रेजेंट सिचुएशन में मेंडलीव के टाइम में वो एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। ही प्रेडिक्टेड थ्री एलिमेंट्स जो कि फ्यूचर में एग्जिस्टेंस में आएंगे या फ्यूचर में खोजे जाएंगे। तो इस तीन एलिमेंट्स के नाम उसने एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन रखा। तो यहाँ पे जो एका वर्ड है, यहाँ पे जो एका वर्ड है दैट इज अ संस्कृत वर्ड। एका वर्ड इज दी फ्रॉम संस्कृत जिसका मतलब होता है फर्स्ट। एका का मतलब होता है फर्स्ट। तो एका बोरॉन और फ्यूचर में आगे चल के जो एलिमेंट ये तीन एलिमेंट्स मिले भी, फ्यूचर में ये तीन एलिमेंट्स खोजे गए। तो एका बोरॉन का नाम था स्कैंडियम, एका बोरॉन का नाम स्कैंडियम रखा गया, एका एल्यूमिनियम का नाम गैलियम रखा गया एंड एका सिलिकॉन का नाम जर्मेनियम रखा गया। प्लीज ये नाम बाय हार्ट कर लेना, प्लीज ये नाम बाय हार्ट कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चंस में आता है। एका बोरॉन इज स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम इज गैलियम एंड एका सिलिकॉन इज जर्मेनियम। क्लियर है? इट क्लियर? नाउ द सेकेंड मेरिट ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल, सेकेंड मेरिट ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल इज इट कुड अकोमोडेट नोबल गैसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मेंडली ने पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया था, मेंडली पीरियोडिक मैन ने पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया था, एट दैट टाइम नोबल गैसेस वेर नॉट डिस्कवर्ड। नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, बट वेन इन फ्यूचर नोबल गैसेस गॉट डिस्कवर्ड, उनको इजिली इजिली दे गॉट फिक्स्ड और दे गॉट प्लेस इन दी मेंडली पीरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग दी मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो ये उसका सेकेंड मेरिट था कि नोबल गैसेस जो कि बाद में डिस्कवर्ड हुए थे, जो बाद में डिस्कवर्ड हुए थे मेंडली के टाइम के बाद, वो मेंडली के पीरियोडिक टेबल में इजिली फिट हो गए विदाउट डिस्टर्बिंग दी एक्चुअल पीरियोडिक टेबल। क्लियर? सर फिर से समझा दो एक बार। अब इसको इस तरह समझो, लाइक मैंने 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 एक हिसाब बना रखा है। ठीक है, मैंने हिसाब बनाया, मैंने अपने महीने का हिसाब बना रखा है, फाइन। बट उसमें कुछ खर्चे मैंने नहीं किए थे, कुछ खर्चे नहीं किए थे वो बाद में शायद होते, बाद में होने वाले थे। ठीक है, तो मैंने अपना मंथ के स्टार्टिंग में मैंने अपना एक हिसाब बना लिया कि इतना इतना खर्चा होगा। ठीक है, अब उसमें कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपको आप प्लान नहीं करते, कुछ आप प्लान नहीं करते बट वो हो जाते हैं, राइट। तो अब मुझे अपनी प्लानिंग, जो मैं पूरा प्लानिंग कर रहा हूँ कि एक महीने में कितना खर्चा होगा, वो मुझे इस तरह से करनी थी कि अब फॉर एग्जाम्पल मंथ में कोई अचानक से अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया तो उसे भी मैं उस पर्टिकुलर जो मैंने यहाँ पे बना रखा है अपना अकाउंट्स, उसमें मैं एडजस्ट कर सकूं। तो यहाँ पे जो मेरा अकाउंट्स है वो हो गया मेंडली पीरियोडिक टेबल, और वो जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, जो एक्सपेंडिंग्स हैं, वो हो गया आपका नोबल गैसेस जो कि आगे होने वाले थे। तो अब मेरा जो अकाउंट्स है अगर वो इस तरह से है कि जो मैंने मेरे अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे हैं वो भी मैं उसमें ऐड कर लूँ और मेरे अकाउंट्स में कोई फर्क ना पड़े, मेरे अकाउंट्स में कोई फर्क ना पड़े, तो वही चीज हुई थी मेंडली के पीरियोडिक टेबल में।
ठीक है, मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो बाद में नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुए थे वो इजीली आके एकोमोडेट हो गए, जैसे ना तो पूरा टेबल डिस्टर्ब हुआ, टेबल में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई और नोबल गैसेस के लिए एक अलग से सेक्शन बन गया। आई बात समझ? यस सर। ओके, नाउ द थर्ड इज, मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल जो टेबल था उसमें आप पर्टिकुलर एलिमेंट को, पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज यू कैन प्रेडिक्ट बाय इट्स पोजीशन। मतलब अगर आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल आपको पता है, इन द पीरियोडिक टेबल अगर आपको पता है देन यू कैन प्रेडिक्ट इट्स प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोई एलिमेंट है उसका पीरियड और ग्रुप बता दूं देन यू कैन प्रेडिक्ट इट्स केमिकल या फिर इसकी प्रॉपर्टी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। दैट इज द थर्ड मेरिट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। इट्स लाइक आप इसमें इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल बच्चों का, अब जैसे आपके क्लासेस में डिविजन्स होते हैं, मतलब आपके स्कूल में डिविजन्स होते हैं ए बी सी डी ई होते होंगे, ठीक है? तो उसमें क्या रहता है, जो ज्यादा ब्राइट बच्चे होते हैं वो ए में है, उससे कम बी में है, फिर सी में है, फिर डी में है, ई वाले वीकर बच्चे, ठीक है? तो अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का मुझे डिवीजन पता है कि वो फॉर एग्जाम्पल बी या सी डिवीजन से है, तो मैं एक्चुअली मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि वो बच्चा पढ़ने में कैसा होगा या उसके मार्क्स किस रेंज में आते होंगे, ठीक है? अगर वो कहेगा मैं ए ए डिवीजन का हूँ, मतलब वो ब्राइट स्टूडेंट है, उसके मार्क्स ज्यादा अच्छे थे तभी वो ए ए ए डिवीजन का है, और अगर ई e का कोई बच्चा ई डिवीजन का है मतलब वो पढ़ने में थोड़ा वीक है और उसके मार्क्स कम आते होंगे। तो अगर आप, ऐसे नहीं होता सर, इस हिसाब से तो मैं और याना कुछ नहीं है, हम लोग सी और डी में है। भाई सर एग्जांपल ले रहे हैं एक जनरल में। मैं अभी जस्ट बोल रही हूँ यार। लड़की ने दिल पे ले लिया, कोई बात नहीं, मुझे लगा ही था इसको कोई क्वेश्चन आएगा। चलो ठीक है, ऐसे मोमेंटम में लड़ रहा था सर। अलग हुआ था हमारे में, सारे गंदे बच्चों को एक सेक्शन में डाल के उनको सबसे स्ट्रिक्ट टीचर दे दी स्कूल की। ये ऐसे ही होता है बेटा, ऐसे ही होता है, सिंपल सी बात है। देखो दो इसमें इस हिसाब से ढूंढना वो होते हैं क्लास टीचर प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे स्कूल में जो डिविजन्स होते हैं वो डिविजन बनते कैसे हैं, बच्चों को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है जिसमें हर क्लास के अलग अलग डिवीजन है, पांच डिवीजन है ए बी सी डी ई, ठीक है? ज्यादा अच्छे बच्चे जो टॉपर्स होते हैं वो ए में हैं, उससे कम वाले बी में हैं, फिर उससे कम वाले सी में, फिर डी में और ई में सबसे वीकर बच्चे हैं। तो अगर किसी बच्चे का मुझे डिवीजन पता है, ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से क्या होगा, अगर मुझे किसी बच्चे का डिवीजन पता है तो आई कैन प्रेडिक्ट कि उसके मार्क्स किस रेंज में आते होंगे या फिर वो पढ़ने में स्ट्रांग है या वीकर है। तो अगर बच्चा ई का है मतलब वो वीकर होगा, पढ़ने में वीक होगा, उसके साथ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बच्चा ए डिवीजन का है मतलब वो ऑलरेडी बहुत अच्छे मार्क्स पा रहा है तो उसके साथ कम मेहनत करनी पड़ेगी। आई बात समझ? यस सर, ठीक है। हाँ, इस पे डिबेट करेंगे, इस पे डिबेट करेंगे, इस क्लास के बाद हम डिबेट करेंगे पुराना, ठीक है? अब डीमेरिट्स की बात करते हैं। डीमेरिट्स में क्या है, डीमेरिट्स में क्या है, यहाँ पे जो पहली डीमेरिट थी जो मेंडलीव ने क्या जो एलिमेंट्स हैं उनको केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे डिफरेंशिएट किया था, क्लासिफाई किया था। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हाइड्रोजन जो है वो एक से ज्यादा जगह पे फिक्स होता है। वो हाइड्रोजन जो है उसकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एक से ज्यादा जगह बनती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक साथ दो दो प्रॉपर्टीज दिखाता है, एक साथ दो दो प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में डीमेरिट क्या है, हाइड्रोजन की प्रॉपर पोजीशन या करेक्ट पोजीशनिंग नहीं थी। सेकंड इज आइसोटोप्स के लिए प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन नहीं था, क्योंकि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को किस बेस पे पोजीशन किया था, एटॉमिक मासेस के बेस पे, एम आई राइट? यस और नो? यस सर। और एटॉमिक आइसोटोप्स में क्या सेम होता है, आइसोटोप्स में क्या होता है, आइसोटोप्स किसे कहते हैं बताना जरा। और उनके एलिमेंट सेम होते हैं, आई थिंक सेम एलिमेंट के होते हैं दोनों, दो या तीन जो भी हैं।
एलिमेंट सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट मास नंबर डिफरेंट होता है. मतलब अगर आप मेंडलीव टेबल के हिसाब से जाएं, मेंडलीव टेबल के हिसाब से जाएं, तो उसमें एटॉमिक मासेस के बेस पे डिफरेंशिएशन है, क्लासिफिकेशन है. तो होगा क्या, एक ही एलिमेंट के आइसोटोप अलग अलग पोजिशन में होंगे, जो कि लॉजिकली करेक्ट नहीं है. अगर अगर वो आइसोटोप्स हैं, इफ दे आर आइसोटोप्स, देन दे शुड बी प्लेस्ड टुगेदर, दे शुड बी प्लेस्ड टुगेदर. बट मेंडली पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं था, वहां पे आइसोटोप्स की पोजीशन प्रॉपर नहीं थी और उसका कोई एक्सप्लेनेशन भी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल नहीं देता है. दैट इज द सेकंड डीमेरिट. ठीक है, मतलब ये इस तरह से है, सेम स्कूल, फाइव डिविजन्स, बट उसमें है तीन दोस्तों का ग्रुप. लाइक यहाँ पे मेरे पास भी तीन दोस्तों का ग्रुप है, तीन या चार है आई थिंक. एम आई राइट आशना? ठीक है, तो इन तीनों में सिमिलैरिटीज है. हाँ, तीनों में सिमिलैरिटीज हैं, बट अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, तीनों की परफॉर्मेंस अलग अलग है. मतलब एक ब्राइटर है, दूसरा वीक, मतलब मॉडरेट है, और तीसरा वाला वीकर है. तीनों के डिवीजन अलग अलग हैं. जब तीनों फ्रेंड्स हैं तो उनको एक साथ होना चाहिए ना, लॉजिकली अगर देखा जाए तो तीनों एक साथ होने चाहिए, बट उनको अलग अलग रखा हुआ है. तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं था, आइसोटोप्स को अलग अलग पोजिशन रखी थी, उस चीज का एक्सप्लेनेशन मेंडली पीरियोडिक टेबल नहीं देता है. थर्ड डीमेरिट इज रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. ऐसा क्यों? क्योंकि उसने बेसिकली मेंडली पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज को भी बेस रखा गया था, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक साथ रखने के लिए मेंडलीव ने एटॉमिक, कहीं कहीं पे एटॉमिक मासेस को रॉन्ग ऑर्डर में रखा. मतलब हैवियर एलिमेंट को पहले और लाइटर एलिमेंट को बाद में, जो कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज कोबाल्ट एंड निकल. कोबाल्ट को निकल के पहले पुट किया गया था, जबकि कोबाल्ट का मास निकल से ज्यादा है, और इस चीज का भी एक्सप्लेनेशन मेंडली पीरियोडिक टेबल नहीं देता है. इतना क्लियर है? यस सर. एनी डाउट्स यहां तक? एनीवन, एनी डाउट्स? नो सर. ओके ओके.